के लापरवाही के चलते नवजात की मौत, प्रसव के लिए आई महिला से रुपए ठग कर अस्पताल से भगाया। संबल झोलाछाप की लापरवाही के चलते नवजात की मौत, प्रसव के लिए आई महिला से रुपए ठग कर अस्पताल से भगाया। दूसरी जगह प्रसव के दौरान नवजात शिशु की हुई मौत, मां की हालत गंभीर, परिजनों ने झोलाछाप पर लगाए गंभीर आरोप। परिजनों ने पुलिस में दी आरोपी के खिलाफ शिकायत, आरोपी डॉक्टर अस्पताल में ताला लगाकर हुआ फरार, परिजनों ने अस्पताल पर किया हंगामा। असमोली थाना क्षेत्र ओबरी का मामला। क्या मामला है? उन्होंने 500 कल 12 बजे उसने भर्ती करा, वो कह रहे थे शाम तक डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी नहीं हुई, फिर सुबह तक आने लगी वो। और क्या कहना है, वो उसको जब बच्चा पैदा होने के लिए लेके गई थी ना वो, तो उसके साथ में कोई नर्स नहीं थी, उसने दो लड़के लड़की के पेट पर उन्हें चढ़ा रखे थे ऊपर पेट दबाने के लिए, और उससे कही ना तो औरों को डांट रही थी, और जितनी भी लड़की थी ना उनको सबको उन्हें बाहर निकलवा दिया, अपने निकालने की कोशिश की लेकिन वो निकालेंगे जबरदस्ती, ओरिजिनल आके उन लोगों ने निकलवाई और जब ले गया और पैसों की मांग कर रही थी ज्यादा वो। फिर क्या हुआ? हम यहाँ से हमने गाड़ी बुलाई, गाड़ी बुलाने के बाद लेके गए वहाँ पे, वहाँ पे आके जब बच्चा पैदा कराया तो बच्चा मर गया। जब कोई दो लोग किसी बच्चा के पेट पे चढ़ने के बाद पेट दबाएंगे तो बच्चा जिंदा थोड़ी रहेगा, बच्चा तो खुद ही मर जाएगा। कल शाम हमने ये संज्ञान में आए, शबीना नर्सिंग होम है इधर असमोली ब्लॉक में, वहाँ पे किसी प्रसव के पश्चात किसी नवजात शिशु की मृत्यु का मामला संज्ञान में आया, तो हमारे जो नोडल क्लर्क्स हैं उनको वहाँ भेजा गया और उनको वहाँ मौके पर कोई भी नहीं मिला अस्पताल का कर्मचारी, और उन्होंने उसको सील कर दिया। मैम आगे क्या कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ? उसको सील तो वो रात ही हो गया था, और वो उसके बाद अब उसमें उनके अगेंस्ट FIR की जा रही है।